पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने वैट घटाकर लोगों को राहत देने का दिखावा किया, लेकिन अब इसी के साथ बीजेपी ने राहत पर राजनीति भी शुरू कर दी। सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष को आड़े हाथ लेना शुरू किया है और गैर बीजेपी शासित राज्यों से करों को कम करने की मांग की है, लेकिन ये अपील केंद्र पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। देश में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब बीजेपी तेल का खेल शुरू कर देती है। उपचुनाव में हार और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने तेल के बहाने जनता को मनाने की कोशिश की है। यहां तक कि राहत पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव है। इसमें तीन राज्यों में बीजेपी की अपनी तो मणिपुर में एनडीए की सरकार है। इन राज्यों में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव से पहले पार्टी शासित चुनावी राज्यों में वैट में कमी लाई जा सकती है। फिलहाल पार्टी की निगाहें विपक्ष को घेरने पर हैं। इसी के तहत बीजेपी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों पर वैट नहीं घटाने को लेकर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पार्टी शासित राज्यों ने ईंधन पर वैट घटाया, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने ऐसा नहीं किया। अगर केंद्र और बीजेपी शासित राज्य लोगों को राहत दे सकते हैं तो फिर कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं। अब यहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का वैट भी अपने आप कम हो जाता है। हमारी मांग है कि केंद्र और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करे। गहलोत के साथ साथ पवार ने भी केंद्र को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से राहत देंगे, लेकिन केंद्र को राज्य को जल्द से जल्द जीएसटी मुआवजा देना चाहिए। इसके बाद ही लोगों की मदद के लिए फैसला लेना संभव होगा। विपक्ष की इस टिप्पणी ने बीजेपी को फिर से जीएसटी के जाल में फंसा दिया है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल है। यानी साफ है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी से केंद्र ही घिर सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।